मैं जमील अहमद, फार्मर द जर्नलिस्ट, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। आज हम नींबू के बारे में कुछ जानकारी देंगे जो हमारा तजुर्बा है, और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो किसान भाइयों प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये नींबू का पौधा है। किसान भाइयों, नींबू की खेती लाभदायक हो सकता है अगर आप पूरे खेत में लगाना चाहें तो उसका अलग प्रोसीजर है, और खेत के अपने चारों तरफ लगा दे तो बैरिकेडिंग का भी काम करेगा और फल भी देगा। एक फल में, एक उस पौधे में 3-4 साल के बाद ये करीब 50-60 किलो फल दे सकता है। और पेड़ का अंदाज़ा आप लगा लें कि अगर आप 100 पेड़ लगा देते हैं, 150 पेड़ लगा देते हैं तो कितना फल मिल जाएगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बैरिकेडिंग वाला काम जो है, ये बैरिकेडिंग का भी काम दे सकते हैं इससे आपको आप, और इसकी खेती की तैयारी करें, गड्ढा पहले से खोद लें, इसका बस 1.25 मीटर के व्यास में इसका गड्ढा खोदें और इसमें सड़ी गोबर की खाद, नीम की खली वगैरह पहले तो उसको सूखा दें, मतलब गर्मी में गड्ढा खुदाई कर लें। उसके बाद जब सूख जाए खूब, 10-15 दिन घाम लग जाए, धूप लग जाए, तब जो है इसको आप इसमें सड़ी गोबर की खाद, नीम खली वगैरह भर दें, उसके बाद में इसको पौधा लगाएं। पौधे की दूरी मान के चले 4-4.5 मीटर ही रखें। और नई नई प्रजातियां निकली हुई हैं, जैसे पंत का है, सीडलेस है, भी हमने देखा था उसको, उसमें एक भी बीज नहीं है, जूस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, और उसका हमारे ख्याल से 75-80 ग्राम का फल भी था। और ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ये पौधा इसका देख सकते हैं, ये पौधा है, पौधे फल भी है। तो अब तो नई नई तकनीकी से पौधा निकल रहा है, तो इसके लिए मिट्टी का पीएच मान ईमान को 6-6.5 के बीच में होना चाहिए। काली मिट्टी और हल्की दोमट मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। तो अगर आपका जो है वो काफ़ी देहातों में काफ़ी मतलब प्रचलन है कि पौधे में फल नहीं आता जल्दी से, तो इसका वैज्ञानिकों के अनुसार लिहोसिन हार्मोन को 2 ml/L पानी में मिला करके छिड़काव करें तो फल भी आ जाएगा, खूब आएगा फल। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी है, तो अगर खेत में लगाएं तो आप 4-4.5 मीटर की दूरी पे लगाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। और पौधों का वैरायटी जो है अपने उद्यान विभाग से चयन करके ही तो पौधा लगाएं कि आपके क्लाइमेट में कौन सा पौधा ज़्यादा फल देगा। बहरहाल नींबू जो है उसका साइज थोड़ा सा कम होता है, लेमन अलग है, तो ये मान के चलिए पूसा की वैरायटियां हैं कई हैं, उसमें आप देख सकते हैं पूसा लेमन 1 है जो जुलाई अगस्त में लगाया जाता है, बहुत सही है, अच्छा है ये, और इसका वेट भी बढ़िया है, जूस भी काफ़ी निकलता है। और ये मान के चलिए किसान भाई, और आम अमरूद तो काफ़ी मांगने भी चला जाता है, लेकिन ये नींबू जो है, ये देखिए इसमें नींबू, ये फल गिरा हुआ है पक्के, ये देखिए ये आपके सामने हम उठा रहे हैं, ये देखिए ये पक्के गिरा था। तो ये कागजी नींबू है, मार्केट में कभी भी 40-50 रुपये किलो से नहीं कम नहीं मिलता है। तो एक पेड़ में अगर, एक पौधे में अगर आपको 55-60 किलो मिल जाता है तो आप देख लीजिए, 1 एकड़ में लगभग 150-140 पेड़ तक लग जाएगा। उससे आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि एक पेड़ में जो है अगर 60 किलो मिलता है तो 2-2.5 हज़ार रुपये का एक पेड़ में मिल जाएगा, और अगर 100 पेड़ लगते हैं तो जहाँ 2-2.5 हज़ार है तो 2-2.5 लाखों में हो जाएगा। तो बहरहाल कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से रखिएगा, हम जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी क्योंकि वीडियो हम अकेले बना रहे हैं, इसलिए जो है। तो इसकी मिट्टी बता दिया मैंने, बीज की प्रजाति बता दिया लेमन की और नींबू की, और कोई और चीज़ अगर जानना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है खेत की और मंडी में तुरंत बिक भी जाता है। साथियों, इसी साथ ही मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।